शहीद गांधी परिवार के सदस्यों के साथ भाजपा की केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, यह कहना है इंदौर के कांग्रेसियों का, जिन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया। इंदौर के छतरीबाग स्थित कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव व अन्य कांग्रेस नेताओं ने एक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनका कहना था कि प्रियंका गांधी के सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस दिए जाने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने में सभी ने जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी की जो एसपी जी सुरक्षा हटाई, जिस तरीके से गांधी परिवार के स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और शहीद हुए, ऐसे शहीद परिवार की एसपी जी सुरक्षा हटाई गई, जो कि कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है और कहीं ना कहीं वे आतंकवादियों के निशाने पर हैं। और जिस तरीके से दुर्भावनापूर्ण अब प्रियंका गांधी जी से घबराकर उनका जो शासकीय बंगला था वो खाली कराने के लिए नोटिस दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, गांधी परिवार के साथ दुर्भावनापूर्ण पूर्व जो है कार्रवाई कर रही है, जिसने जिस परिवार ने इस देश के लिए शहीद हुआ उस परिवार के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज हमने इसी को लेकर धरना दिया, काली पट्टी बांधकर भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ।